65 देखिए दिया हुआ है कि y इक्वल टू में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू ये प्रूव करना। चलिए देखते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का x के रिस्पेक्ट में इनटू में आपका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और फिर माइनस देखिए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और इनटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x और इसका माइनस e टू द पावर माइनस x, तो प्लस हो जाएगा इनटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x फिर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और यहाँ भी वही हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और बाई में नीचे जो है वो रहने देते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, dy by dx इक्वल टू में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर और बाई में है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर, अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो dy by dx इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर बाई में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर और बाई में यहाँ पर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर, यह पूरा कट जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू में वन माइनस यहाँ पर लिख देंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये y का ही ना वैल्यू है जी, आपका क्वेश्चन ही है, तो dy by dx इक्वल टू में वन माइनस y स्क्वायर, यही ना हमें प्रूव करना था क्वेश्चन।